तो भैया आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भी आते रहते हैं कि भैया फ्री फायर खेलने के लिए एक एक मतलब कोई रेस्पेक्टिव बजट कौन सा रहेगा या मैं कितना इन्वेस्ट करूं भैया। तो भैया ये सेटअप पूरा 47K का है जिसपे फ्री फायर वगैरह गेम वगैरह चलाने के लिए यूज़र ले रहा है। यूज़र है गोंडा से जिनका नाम है शिवम। तो भाई फटाफट कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिटेल देते हैं, उससे पहले आप लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कंटेंट हम लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हम दे रहे हैं फ्री फायर खेलने के लिए। और भैया इंस्टा जाके देख लीजिएगा भाई, सदा भाई कहाँ बिजी हैं आजकल, ठीक है। देखो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहली वीडियो आई गायब, दूसरी आई गायब, क्या चक्कर है भाई, कहाँ गया हुआ है। जाइएगा चेक करिएगा इंस्टा पे जाके, ठीक है। ले चलते हैं वीडियो को आगे को और दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। ये फुल सेटअप है, देखते जाइएगा भैया। कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन से पहले ये बता दें कि आपका जो आपके एपीयू प्रोसेसर आते हैं थोड़े लो बजट में 3200G 3400G भाई मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक अरेंज किया है भाई को 3400G, ठीक है, जो कि विथ फैन आता है। प्राइसिंग की बात करें ना ही करें तो ठीक है, ठीक है। और ये देखिए फैन आता है इसके साथ में 3400G के साथ में, रेड कूलर फैन है, पेस्ट वगैरह लगा रहता है। कॉस्टिंग की बात करें तो करीबन भैया 19 से 20 हज़ार रुपये के बीच में प्रोसेसर है, ठीक। और ये शॉर्टेज में भी है प्रोसेसर, ठीक। फिर बात करते हैं इसके कंपैटिबिलिटी मदरबोर्ड की, तो B450 मदरबोर्ड लिया गया है जो कि एस रॉक का बोर्ड है, चमचमाता हुआ बोर्ड है। और साथ में एसेसरीज की बात करेंगे तो इसमें आयो शीट वगैरह और साटा केबल, फ्रेम गंत्र, मैनुअल, ठीक है। और ये आपके कुछ पेच वगैरह दिए हुए हैं NVMe लगाने के लिए, ये सब है। बोर्ड दिखा भी देते हैं आपको, तो दो रैम स्लॉट पे बोर्ड दिख रहा है, PCI Express स्लॉट दिया हुआ है, M.2 भी स्लॉट दिया हुआ है, IO पोर्ट में सारे पोर्ट दिए हुए हैं, VGA, DVI, HDMI, VGA सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो ये करीबन ये 6200 रुपये के आसपास आता है मदरबोर्ड, ठीक है भाई। मदरबोर्ड प्रोसेसर हो गया। एक प्राइमरी स्टोरेज दी गई है जो कि NVMe है भाई, NVMe है किंगस्टन की, 250 GB की। प्राइसिंग की बात करें तो करीबन 3000 से 3200 के आसपास ये भी आती है। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं भाई, दिखा देते हैं कैसी आती है, ठीक है। ये रही आपकी NVMe, शिवम भाई देखते जाना, और भाई हो सकता है शिवम भाई से मुलाकात भी कराते, बाहर बैठा हुआ है वेट कर रहा है भाई, ठीक है। ये किंगस्टन की NVMe जो कि रीड राइट की बात करें तो करीबन 2000 Mbps अप टू रहती है, और जो कि एक प्राइमरी स्टोरेज है, इसमें विंडोज़ वगैरह डालेंगे, गेम खेलने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपका, स्मूथ चलेगा गेम। फिर रैम की बात करें तो वही सबकी प्यारी XPG D30 रैम है जो कि 3200 MHz पे है, बोर्ड पे भी 3200 MHz पूरा पूरा सपोर्ट करता है, ओवरक्लॉक होता है। और रैम बहुत सारी बार हम लोगों ने दिखाई दी है। प्राइसिंग की बात करें तो 3000 से 3200 के बीच में ये भी रैम आती है, कुछ इस टाइप की आती है, ठीक है। अब बस बचता है सेगमेंट हमारा आउटर का, एक इंटरनल पार्ट ये बचा हुआ है, फिर ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ठीक है, और आपका कैबिनेट। तो बचता है SMPS जो कि 450 W का है, ठीक है। ये कूलर मास्टर का है, प्राइसिंग की बात करें तो करीबन 3000 रुपये की आती है सप्लाई, 5 साल वारंटी पे, 80+ ब्राउन आती है। इसको खोल के दिखा भी देते हैं कि कंपोनेंट देखने में कैसा है, बिल्ड क्वालिटी, फ्लैट वायर वगैरह, भाई इतना बार दिखा चुके कूलर मास्टर का लोहा की याद भी हो गया है, फ्लैट वायर दिए हुए हैं और बिल्ड क्वालिटी आपको कई बार दिखा दी है, ठीक है। और बचता है फिर सब कुछ तो हो गया भाई, बचता है अपना मॉनिटर, इसको लास्ट में अनबॉक्स करेंगे। कीबोर्ड माउस जाना माना लॉजिटेक, ठीक है, 3 साल की वारंटी पे। अब यार सूफी क्या किया यार, ठीक ठीक कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, रिटेक कर लेना भाई, काट लेना कहीं से ज़्यादा ठीक ठीक लगे तो, ठीक है, फिर वही ठीक है भाई। कैबिनेट अनबॉक्स करते हैं और फटाफट करते हैं बिल्ड और दिखाते हैं लुक, पीसी का लुक कैसा आ रहा है, चलो ठीक है। चलो तो शिवम भाई कैबिनेट आपकी अनबॉक्स हो गई है। कैबिनेट देखो टफन ग्लास के साथ आती है। फैन स्पेस की बात करें तो नॉन RGB एक फैन आता है 120 mm का, और फैन कितने लग सकते हैं, 3 फ्रंट में लग सकते हैं, 2 टॉप पे लग सकते हैं। और भाई इसका स्लॉट हटा के ये देख लेते हैं कि इसमें 240 mm का AIO लग सकता है। हाँ भाई 240 mm का AIO भी लग जाएगा। फ्रंट की बात करें तो एक USB 2.0, एक USB 3.0, ऑन ऑफ रिस्टार्ट का स्विच वगैरह दिया हुआ है, और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है LED का जो कि क्रॉस में ऐसे दिया हुआ है S टाइप में। अभी मशीन जब पूरी बिल्ट हो जाती है ऑन करके दिखाते हैं कि बिल्ट क्वालिटी कैसी है, और बाकी केवर की लेंथ, वायर वगैरह सब ओके है। बजट कैबिनेट है, करीबन 2900 से 2800 के बीच में, 3000 के बीच में आती है कैबिनेट।
भैया बिल्ट स्टार्ट करते हैं, बंडल बना के ऑन करके दिखाते हैं मशीन को फटाफट। शिवम भाई बंडल रेडी हो गया है, मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम और NVMe लगा दी गई है, फटाक से लगाते हैं SMPS और मशीन को ये इन करके मशीन ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो शिवम भाई मशीन तो भैया विंडोज विंडोज पड़ जा रही है उस पर, इतने अनबॉक्स कर दे रहे हैं आपका मॉनिटर और दिखा दे रहे हैं कि कंटेंट क्या क्या निकलता है इसमें, कौन कौन से लीड मिलती है, वायर मिलते हैं, इसको ओपन करके दिखा देते हैं। तो भैया कंटेंट में बेस स्टैंड हो गया, मिड स्टैंड हो गया और एक आपकी VGA केबल और एक आपका पावर केबल, ठीक है। और ये रहा आपका मॉनिटर, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इसकी पोर्ट की बात करें तो ये देखिए सूफी दिखाना है पास में, दो HDMI पोर्ट दिए हुए हैं, एक VGA पोर्ट दिया हुआ है और साउंड का इन आउट दिया हुआ है, ठीक है। ये पावर सेक्शन हो गया और ये बॉर्डर लेस रहती है, इसको ऑन करके और मशीन को ऑन करके एक बेंचमार्क देख के भैया जाना दिखाते हैं कैसी चल रही है मशीन, क्या परफॉर्मेंस दे रही है। सो भाई लोग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए इसमें एक आपको ये देखिए इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप जाती हुई, वर्टिकल नहीं एक डिजाइनर स्ट्रिप जाती हुई दिख रही है, देखिए यहाँ से गई यहाँ से गई यहाँ से, ये आपको देखिए मेशी डिजाइन है और ये देखिए ये आपका है आपका टेक्सचर और ये है सॉफ्ट टच मटेरियल है, ठीक है, पियानो ब्लैक फिनिश पे। और उसके अलावा साइड में आपको टेम्पर ग्लास मिला हुआ, अंदर कोई भी RGB नहीं है भाई, बजट PC है, बजट के हिसाब से इसको बिल्ड किया गया है और ऊपर टसल्ट नहीं लगा है। और ये देखिए अंकित भाई ने आपका मॉनिटर भी अनबॉक्स कर दिया, 22 इंच का BenQ का IPS पैनल पे अंकित जी, IPS पैनल पे 60Hz पे। और ये रहा आपका गेमिंग का हमारा Logitech का कीबोर्ड और माउस। अब देखो बजट के हिसाब से हमने पूरी कोशिश की अंकित ने, इस बजट में इस PC कितने का अंकित, फुल PC है ये 47K में फुल सेटअप है। अच्छा 47,000, मात्र 47,000 रुपए में आपको फ्री फायर खिला के हम दिखाएंगे। आप 2 मिनट रुको जाना मत भाई, 2 मिनट रुको जाना मत, आपको फ्री फायर खिला के हम दिखाएंगे। तो शिवम गोंडा भाई, मतलब शिवम भाई गोंडा से आपका PC बिल्ड हो गया है और आप लोगों ने देखा कि ये मात्र ओनली जस्ट 47K का बिल्ड है, 3400G पे, जो हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेसर बचा था। लास्ट अंकित ने कहीं से 25-25 का स्टॉक उठाया था, अंकित कहाँ से उठाया था बताओ,
पता कुछ क्या इसने कहीं से 25 यूनिट का स्टॉक ले आया था, ये 3400 का पता नहीं कहाँ गया था, ये तमिलनाडु कर्नाटक कहीं गया था, ये कहीं डील करके आया था तो वहाँ से 25 सीपीयू ले आया था, तो वही सीपीयू हमारे चल रहे थे। तो ये लास्ट आज बचा है 3400 जो कि हम सेल आउट कर रहे हैं, इसके बाद एक पीस भी नहीं बचा भाई। 3400 के लिए आप क्वेरी मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, अभी तक नहीं बचा हुआ है। और इसमें फ्री फायर खेला के हमने आपको दिखाई दिया चला के, भैया फ्री फायर चलता है इसमें, बढ़िया चलता है जबरदस्त। तो सचिन गोंडा भाई सचिन भाई गोंडा से बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके न्यू पीसी के लिए। कोई नया पीसी बाय करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अंकित भाई ऐसे रिप्लाई करेंगे आपको। कैसे रिप्लाई करोगे पंडित? हाँ अगर फॉर्म फिल हुआ तो देखो ऐसे बदामन रिप्लाई करेगा पंडित आपको। हमको मतलब मालूम होना चाहिए कि क्या चाहिए आपको, कहाँ से बोल रहे हो, ताकि कोरियर चार्जेस। अच्छा अपना नंबर बताओ, अपना नंबर 9532777615 इंस्टा पे चले जाइएगा, और वहां से रिप्लाई ना आए बाकी दादा भाई बता ही देंगे आपको डिटेल में, मिल जाएगा मतलब रिप्लाई आपको, नो डाउट। आप अंकित को ही करोगे ना वो भी जो है अपना कर लेता है, जब भी मतलब बाबू चुनाव से फ्री होता है तो सबसे पहले उसका काम ये होता है कि रिप्लाई करना, ऐसी कोई बात नहीं है। और बंदे की अपनी पर्सनल जिंदगी है, बट उस जिंदगी से निकल के ये अपना धर्म कर्तव्य को निभाता है। तो आज के लिए इतना ही, स्टूडियो में जनमन बाद मजा आ रहा आजकल पीछे देखने में, आप लोग को बहुत सस्ते पीछे डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिल आप लोगों के लिए सिर्फ डाल रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। बाय।